पौष्टिक आहार समझे जाने वाले दूध के लिए हम शायद ही सोचें कि उसमें फैशन के शौकीनों का दिल जीतने वाली बात भी है। पर्यावरण के लिए बढ़ती जागरूकता के बीच इको फ्रेंडली कपड़े भी लोकप्रिय होने लगे हैं। अब दूध भी कपड़ा उद्योग का कच्चा माल बन रहा है। कैसे बन रहे हैं दूध से मलमल जैसे मुलायम कपड़े, देखिए। गाय दूध देती है लेकिन वो फैशन में मदद दे सकती है। अब तक ये पता नहीं था लेकिन अब फैशन के लिए उसके दूध का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ हैंगर पर लटका है दूध। सच कहें तो दूध का प्रोटीन नीले, काले और भूरे रंग में। नया टेक्सटाइल मलमल की तरह मुलायम है। इसे डिजाइन किया है डिजाइनर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आंके डोमास्के ने। इसे सूंघ कर नहीं बताया जा सकता कि ये दूध से बना है। मजे की बात यह है कि पता चलते ही बहुत से लोग सबसे पहले इसे सूंघते हैं, लेकिन ये एकदम पता नहीं चलता। ये बहुत ही मुलायम है। हमारा फाइबर प्रोटीन फाइबर जैसा है, ऊन के जैसा, सिल्क के जैसा। चूंकि इसकी सतह अत्यंत चिकनी है, ये सिल्क जैसी महसूस होती है। आंके डोमास्के दूध बर्बाद नहीं करती। वो काम के लायक नहीं रहे दूध से फाइबर बनाती हैं। वो दूध जो मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है, ये ऐसा आइडिया है जो टेक्सटाइल उद्योग को बदल कर रख देगा। इसकी शुरुआत हुई थी किचन में। यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनकर निकली डोमास्के ने सुपर बाजार में एक मिक्सर, एक बड़ा जैम थर्मामीटर और बहुत सारा प्रोटीन पाउडर खरीदा था। किचन में हमने करीब 9 महीने परीक्षण किया, जब तक हमें वो नुस्खा नहीं मिल गया जो पानी में फौरन घुलता नहीं था। और यही तो महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके पास टेक्सटाइल फाइबर है तो उसे धो भी सकें। एक डब्बा दूध लेकर डोमास्के बताती हैं कि फाइबर कैसे बनता है। शुरुआती चीज दूध है, और वह जब खट्टा हो जाता है तो उसमें ये सफेद टुकड़े तैरने लगते हैं। ये दूध का प्रोटीन है। इसे छान लेने पर पनीर मिलता है, जिसे सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है, और यही हमारा कच्चा माल है। इसे दूसरी चीजों के साथ मिलाकर हम गूंथ लेते हैं। उसे एक स्प्रे में डाला जाता है, जिसे दबाने पर खूबसूरत पतले धागे बनते हैं। इसे और परिष्कृत कर कपड़ा बुनने वाला तार बनाया जाता है। डोमास्के अब बड़े पैमाने पर दूध के प्रोटीन से फाइबर बना रही हैं। इसे पानी और दूसरे प्राकृतिक तत्वों के साथ मिलाने से फाइबर बनाने का मटेरियल तैयार होता है। इसे जब पिचकारी में डालकर दबाया जाता है तो इंसानी बाल से भी पतले धागे निकलते हैं। लैब में नियमित रूप से इन धागों की न टूटने की ताकत और स्थिरता परखी जाती है। इन फाइबरों की सबसे अच्छी तुलना सिल्क और ऊन से हो सकती है, क्योंकि वो भी प्रोटीन फाइबर ही हैं। दूध के प्रोटीन से बने फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। इनसे बने कपड़े वो लोग भी पहन सकते हैं जिन्हें एलर्जी की शिकायत है। इसमें रासायनिक तत्व नहीं है और उन्हें खराब हो जाने पर कंपोस्ट किया जा सकता है। हमारा फाइबर सांस लेने योग्य है, तापमान को रेगुलेट करता है, एंटीबैक्टीरियल और मुश्क से जलने वाला है। इसलिए वह न सिर्फ कपड़ा उद्योग के लिए दिलचस्प है बल्कि तकनीकी क्षेत्र के लिए भी। मसलन इससे फैन बनाया जा सकता है, तेज धार फेंकी जा सकती है, इससे प्लास्टिक बनाया जा सकता है, नैनो मटेरियल भी बनाया जा सकता है। दूध से बने फाइबर की सफलता तब सामने आई जब हॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने इससे बने कपड़े पहने और पसंद किए। डोमास्के का आइडिया था कि सितारों को कुछ ड्रेसें भेजी जाएं जो उनके हिसाब से बनी हों। मीशा बार्टन पहली थी जिन्होंने इसे पहना, और उसी दिन जिस दिन उन्हें ये ड्रेस मिली, इसे मीडिया में व्यापक प्रचार मिला, और ये हमारे लिए सचमुच बहुत बड़ी बात थी। आइडिया चल निकला तो यहाँ फैशन कंपनियों के लिए कच्चा माल बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा।